हेलो फ्रेंड्स, मैं बिंदु तिवारी, सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए समाज शास्त्र से कुछ प्रतियोगी प्रश्न लेकर आई हूँ, जो कि आप लोगों के लिए कॉम्परेटिव एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं। समाज शास्त्र शब्द किन दो भाषाओं से मिलकर बना है? तो उत्तर है लैटिन एवं ग्रीक, यानी सोशियोलॉजी, सोशियस प्लस लोगस। सोशियस लैटिन भाषा से लिया गया है और लोगस ग्रीक भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल ऑर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? उत्तर है वीर स्टीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिककरण से संबंधित आत्मदर्पण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? उत्तर है चार्ल्स कूले। चार्ल्स कूले की एक फेमस बुक है ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, इसमें इन्होंने आत्मदर्पण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्न में से किसने सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दी, यानी कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की अवधारणा? तो उत्तर है दुर्खाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत किसने दिया? उत्तर हर्बर्ट रिजले। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द के प्रयोग का सुझाव दिया? उत्तर जे यस मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वर्ण का पुरुष जब उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो उसे कहते हैं? उत्तर प्रतिलोम विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर काका कालेलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने त्रिस्तरीय नियम का प्रतिपादन किया? उत्तर अगस्त कॉम्टे। अगस्त कॉम्टे फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज शास्त्र का अतीत बहुत लंबा है किंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है, यह कथन किसका है? उत्तर वीर स्टीड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अरुंडा जनजाति का अध्ययन किया? उत्तर दुर्खाइम। यानी मैं आपको बताती हूँ, अरुंडा जनजाति भारत की नहीं है, यह ऑस्ट्रेलिया की जनजाति है। तो बस आज के लिए इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं नए प्रश्नों के साथ आप लोगों से मिलती हूँ। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि यह वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुँचाएं जिनके पास इंटरनेट की असुविधा है। तो ओके, बाय बाय। सुनने के लिए थैंक यू सो मच।